हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि यूपी में पास होने के लिए कितने मार्क्स की ज़रूरत है और कितने हमको चाहिए। बैचुलर डिग्री के लिए अलग रिक्वायरमेंट है और मास्टर डिग्री के लिए अलग रिक्वायरमेंट है। कई बार हम क्या सोचते हैं कि बैचुलर डिग्री और मास्टर डिग्री के लिए कि दोनों के लिए सेम जो है 35% मार्क्स की ज़रूरत होगी और वो 35 आ गए तो अपने आप को पास समझते हैं, जबकि वो पास नहीं होते हैं तो, और जिसकी वजह से उनकी डिग्री जो है लेट हो जाती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि पूरा फंडा क्या है, उस फंडे को समझते हुए हमें आगे बढ़ना है और अपनी डिग्री को टाइम से कंप्लीट करना है। तो चलो मैं दिखा देना चाहता हूँ आपको कि बैचुलर डिग्री और मास्टर डिग्री के लिए कितने की रिक्वायरमेंट है। मैं आपको लेके चलता हूँ वर्ड के फॉर्मेट के ऊपर। तो सबसे पहले इसमें बताया गया है कि असाइनमेंट के लिए मिनिमम 40 मार्क्स की आपको रिक्वायरमेंट्स है। मान लिया आपको ये असाइनमेंट जमा करते हैं तो उसके लिए 40 मार्क्स में आपको पासिंग मार्क्स ज़रूरी है तो आप पास हो जाओगे। लेकिन हमेशा मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि असाइनमेंट में मैक्सिमम जो है 80 से 90 के बीच में नंबर लाए तो उससे आपकी क्या होती है, परसेंटेज अच्छी हो जाती है। कभी भी जल्दबाजी में कि आज 2 दिन रह गए, 5 दिन रह गए कि मैं अपना असाइनमेंट जमा करना है करके और 2-4 पेपर लिखे और जमा कर दिए, कभी भी ऐसे नहीं करने का। नहीं तो आपको क्या है, असाइनमेंट्स के मार्क्स बहुत कम आएंगे और जिससे आपकी डिग्री के मार्क्स, आपकी जो डिग्री है उसकी परसेंटेज बहुत डाउन हो जाएगी। तो ऐसा कभी भी नहीं करना। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उस टाइम पर उसका असाइनमेंट को डिपॉजिट नहीं करना है, उसको छोड़ देना है, नेक्स्ट सेशन के लिए उसको जमा कर देना है। और उसके बाद जो बैचुलर डिग्री है उसको अगर आपके 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है तो 35 मार्क्स उसमें मिनिमम चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि 35 आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, डिग्री लेट हो रही है तो चलो वो अलग बात है, लेकिन कभी भी 35 के भरोसे नहीं रहना। अपने टर्म एंड एग्ज़ाम जो है, मेन एग्ज़ाम है, उसके लिए अच्छे से तैयारी करके जाना है ताकि जो है आप अच्छे से मार्क्स आप प्राप्त कर सको और आपकी डिग्री की परसेंटेज काफ़ी अच्छी हो सके। मान लिया आपको 5 एग्ज़ाम देने हैं और आप 3 के लिए तैयारी किया तो 3 दो, फिर अगले 6 महीने में उसके एग्ज़ाम होते हैं, नेक्स्ट सेशन को अटेंड करो और अपनी परसेंटेज को अच्छे से बनाओ। मान लिया किसी के जो मार्क्स हैं, कोई जो छोटा कोर्स होता है उसके 50 मार्क्स के पेपर होते हैं तो उसके लिए 18 मार्क्स आपको उसमें मिनिमम चाहिए बैचुलर डिग्री के लिए, ठीक है। मास्टर डिग्री के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 40% मार्क्स पासिंग मार्क्स है। 100 का अगर एग्ज़ाम है तो 40 मार्क्स उसमें चाहिए ही चाहिए। अगर 40 नहीं आएंगे तो आप उस कोर्ट में फेल है। आप 35, 36, 37 या 38 मार्क्स आने से सोचते हैं कि हम पास हो गए हैं और आपका ग्रेड कार्ड कंप्लीट नहीं होता है, उसमें नॉट कंप्लीटेड लिखा रहता है असाइनमेंट के मार्क्स आने के बाद भी, तो आपको ध्यान रखना है मेन में 100 में से मिनिमम 40 मार्क्स आपको मास्टर डिग्री अगर आप कर रहे हो, एम ए एम कॉम बी ए एम ए एम कॉम में एम मास्टर से जितने भी हैं कोर्स कर रहे हो तो 40 में मेन एग्ज़ाम में आना ज़रूरी है। अगर आपका कोर्स जो है 50 मार्क्स का है तो आपको मिनिमम 20 मार्क्स उसमें से आने बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज आप उसको पास नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये है आपको मिनिमम कितने चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, कितने असाइनमेंट्स में मार्क्स आने चाहिए, कितने बैचलर डिग्री के लिए, कितने मास्टर डिग्री के लिए, और जो कुछ जो है 25 मार्क्स के भी कुछ पेपर होते हैं 2 क्रेडिट वाले, तो उसके लिए मिनिमम मास्टर डिग्री है तो 10 और बैचलर डिग्री है तो उसके लिए 9 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो ताकि जो है सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। और यार अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो चैनल को ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और नई वीडियो जो है जल्दी से जल्दी बनाए। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। थैंक यू।